हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल, माय सेल्फ अभिनय चौधरी। तो जी जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज का वीडियो दैनिक भास्कर स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो जी का अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ फेसबुक पर एक बार शेयर जो कर दीजिएगा। तो क्या जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का दोबारा से लिया है मौका आप सभी के लिए जीतने के लिए। दैनिक भास्कर की तरफ से जीतो 21 करोड़। और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप इसको इसमें बहुत सारे इनाम देखने को मिल जाते हैं। 50 लाख तक का सोना जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइज आपको देख सकते हैं, सेकंड प्राइज 11 SUV जीत सकते हैं और 51 मोटरसाइकिल जीत सकते हैं, थर्ड प्राइस फोर्थ प्राइस आप देख सकते हो स्कूटर जीत सकते हैं और LED TV जीत सकते हैं, मोबाइल फोन जीत सकते हैं, रेफ्रिजरेटर जीत सकते हैं, वाटर प्योरीफायर जीत सकते हैं और भी खास बहुत सारे आपको यहाँ पे इनाम देखने को मिल जा रहे हैं। आप जीत सकते हैं, जीतेंगे तभी अगर आप खेलेंगे दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़। अगर जैसे कि बात करें, आपको पता है गाइस, दिख रहा है इस वीडियो में कि गाइस ये कूपन फॉर्मेट आया है, नया कूपन फॉर्मेट जीतो 21 करोड़ के तरफ से, चूँकि गाइस आपको दिख रहा है। और भी जैसे कि बात करें, आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए हैं Q&A सीरीज, मतलब गाइस आपके सारे सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जिसे जानने के लिए आपको आज का वीडियो सुसंदर जो देखना पड़ेगा। तो जी का चलिए बिना वक्त बर्बाद की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जी गाइस चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं गाइस, सबसे पहले Q&A सीरीज की ओर। तो जी गाइस जैसे कि बात करें, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अगर गाइस आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो गाइस आप इस वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं वीकली गाइस Q&A सीरीज लाने की कोशिश करूँगा आप पर दैनिक भास्कर के लिए। तो जी गाइस चलिए सबसे पहला का Q&A सीरीज गाइस देख सकते हो। गाइस सबसे पहला प्रश्न मैं उठाया हूँ, जो पूछा गया है अर्चना लक कर जी के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि दैनिक भास्कर जी तो 21 करोड़ ऑफर में मैं जो नया वाला फॉर्मेट आया है उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ इज आंसर मी फर्स्ट। तो जी जैसे कि इन्होंने पूछा है गाइस, दैनिक भास्कर में नया कूपन फॉर्मेट आया है, तो गाइस मैं पहले आपको बता देना चाहूँगा कि जो नया कूपन फॉर्मेट आया गाइस ये वही कूपन फॉर्मेट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें गाइस बात करें तो आपको 1 से लेकर 17 तक स्टैंडर्ड कूपन चिपकाने होंगे और यहाँ पर 4 मास्टर कूपन चिपकाना है। और भी थोड़ा कूपन आपको मैं वीडियो में, जब कूपन के बारे में बात हो गई और कूपन ना दिखाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको थोड़ा कूपन दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख पा रहे हो गाइस, ये है वो कूपन दैनिक भास्कर का कूपन नंबर 6, इसी तरह के कूपन आपको आपको कटिंग करके आपको चिपकाना है 6 नंबर में। और जी गाइस बात करें इस तरह का, आप देख पा रहे हो गाइस, ये है मास्टर कूपन नंबर 1, जिसमें गाइस लिखा होगा मास्टर कूपन नंबर 1 और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लोगो भी देखने को मिल जाएगा दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का। तो जी गाइस इसी तरह के कूपन को आपको काट लेनी है अपने दैनिक भास्कर में जब जब छपती है। और भी गाइस आप वेट करिएगा, मैं नया वीडियो जैसे इस पर लाने वाला हूँ, अगर आपको कोई कूपन छूट गया है तो मैं बताऊँगा कि किसने कौन सा कूपन छपा है, यानी कि गाइस मैं वीकली रिव्यू देने वाला हूँ आपके दैनिक भास्कर के कूपन के बारे में, तो गाइस इससे भी आप बने रहिएगा। तो जी गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, किसी तरह के आपको 17 कूपन चिपकाने होंगे स्टैंडर्ड कूपन्स और 4 मास्टर कूपन चिपकाने होंगे, चिपका करके इसमें डिटेल्स दिए गए हैं, इसको भर करके जमा करने होंगे। और कब जमा करने होंगे, कहाँ जमा करने होंगे, डिटेल्स के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा, कोई भी बेटा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जी गाइस इनका सवाल का जवाब इन्होंने पूछा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन सर दोबारा कराना पड़ेगा या नहीं। तो जी गाइस बिल्कुल आपने सही सुना गाइस कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपने दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ में पहले पार्टिसिपेट हम सब किए थे, तो गाइस हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से हुआ था, पर गाइस लेकिन वो अभी बंद हो चुका है, तो बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अर्चना जी जैसे कि मैं बात करूँ कि दैनिक भास्कर जैसे भी आप कूपन फॉर्मेट सबमिट करने जाइएगा सेंटर पर, तो बस आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पे करा लिया जाएगा। आपको बस आपका अपना आधार नंबर रख लेना है और मोबाइल नंबर 10 1 नंबर रख लेना है, जो कि गाइस नंबर चालू होना चाहिए, उसी पर गाइस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑलरेडी जब आप कूपन सबमिट करेंगे। आशा करते हैं आपको आपका जवाब इस वीडियो में मिल गया हो। फिर इस प्रश्न है कि कब जमा होगा और लॉकडाउन पहले वाले कूपन कैंसिल हो गए क्या सर? ये गाइस पूछा गया है, प्रश्न देख पा रहे होगा इस मनीष कुमार चावड़ा के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो जी गाइस मनीष जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जैसे लॉकडाउन गाइस हुआ था, लॉकडाउन के पहले जो मैंने भी जमा किया था दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का जो पिछला वाला कूपन फॉर्मेट था वो कैंसिल नहीं हुआ है, उसकी भी गाइस लकी ड्रॉ निकलेगी, तो गाइस आप घबराइए नहीं। ये गाइस उनके लिए है जिनका मौका नहीं मिल पाया था गाइस, जिनको किसी कारणवश लॉकडाउन के कारण जो पीछे रह गए थे गाइस, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कर सके थे गाइस, उनको दैनिक भास्कर एक तरह से इसमें नया मौका दे रहा है। और देखिए जैसे कि बात करूं, पार्थ जी ने पूछा था गाइस फॉर्म के बारे में कि उनके पास ये फॉर्म नहीं है, तो गाइस अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो गाइस हमसे बने रहिए, जैसे भी कोई नया अगर फॉर्मेट आता है, हो सकता है गाइस कि आगामी कूपन फॉर्मेट में आपको दोबारा से ये फॉर्मेट देखने को मिले, तो गाइस उसके सारे डिटेल के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा, जैसे भी कोई बेटा आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। तो जी का जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, अगला पूछा गया है क्वेश्चन आ रही है आदित्य राज की तरफ से। इन्होंने गाइस पूछा है कि भैया अगर सेकंड नंबर वाला कूपन नहीं है तो उसकी जगह पे कोई और कूपन जो
कर सकते हैं। तो जी है गाइज, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे कि गाइज आपके पास यहाँ पे कूपन नंबर 1 से 17 तक का कूपन चिपकाने का जगह दी गई है और 4 मास्टर कूपन दी गई है। और गाइज अभी तक मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपके जो दैनिक भास्कर में मैं बात करूँ तो गाइज अभी तक के दैनिक भास्कर में ये कूपन नंबर 6 तक छप चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइज, और 1 मास्टर कूपन छपा है। और गाइज आप हमसे बने रहिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो गाइज इन 6 में से आप कोई भी कूपन को किसी जगह भी चिपका सकते हैं। जैसे कि गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 6 नंबर कूपन है सपोज डैट के लिए, तो गाइज आप चाहे तो ये 6 नंबर कूपन को आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, नहीं 9 नंबर की जगह भी चिपका सकते हैं। तो जी है गाइज, आप निफिक्र रहिए, आपके पास तो कोई कूपन नहीं है, आप गाइज उसके जगह कोई दूसरे कूपन चिपका सकते हैं, बेशर्ते गाइज वो कूपन आपके फोटोकॉपी नहीं, वो कूपन आपके रियल कूपन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आदित्य राजी की तरफ से, पूछा गया है कि भैया अगर एक एक दिन मेरे यहाँ पेपर नहीं आया और मेरे पास एक एक कूपन कम है तो गाइज क्या होगा। तो जी है, जैसे कि मैंने आपको आपका जवाब दे ही दिया कि अगर ऐसे आपके पास कूपन कम है तो गाइज हो सकता है दैनिक भास्कर में 17 कूपन अभी इसमें चिपकाने के जगह दी गए हैं, हो सकता है आगामी के फॉर्मेट में आपको वहाँ पे 20 कूपन छपे, 25 कूपन छपे, 30 कूपन छपे, तो उसमें से आपको बस 17 कूपन चिपकाना है यहाँ पे और 4 मास्टर कूपन चिपकाना है। और गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कि कौन सा कूपन किस दिन छपा है, आप वहाँ से गाइज उस डेट से गाइज जाके अपना पेपर कलेक्ट करके अपना कूपन को वहाँ से काट सकते हैं। तो देख सकते हैं अगला पूछा गया है एग्जाम पॉइंट ट्रिक्स चैनल से पूछा गया है। इनका सवाल है कि सर जो दैनिक भास्कर जीटी के स्कोर का जो जमा करना है ये कूपन जमा कहाँ करना पड़ेगा। तो जी गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका कूपन फॉर्मेट है इसको जमा करने की डेट निकली कि दैनिक भास्कर में, कैसे भी डेट आई नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि कोई कूपन की छपाई चली रही है, अभी कूपन 6 कूपन अभी छपे ही हैं, तो भाई जैसे ही पूरा कूपन छपेगी तो उसके आगे आपको डेट दिया जाएगा इसको जमा करने का। कोई भी गाइज उसके लिए भी अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल से बने रहना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को बस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। गाइस बात करें, अगला प्रश्न आया है, देख सकते हैं गाइस प्रशांत जी ने पूछा है, इन्होंने गाइस पूछा है किशन को कहाँ चिपकाएंगे, अर्थात आपका पूछने का चाह रहे थे कि कूपन को कहाँ चिपकाएंगे। तो जी गाइस जैसे कि बात करें कूपन को गाइस आपको दिए गए कूपन फॉर्मेट में चिपकाना है। अभी गाइस चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े गाइस। गिरिजा मालव जी की तरफ से एक प्रश्न पूछा गया है कि आज हमारे न्यूज़पेपर नहीं आया है और आज फर्स्ट कूपन आना था जो कि नहीं आया, तो क्या हम आगे जो कूपन आएगा वो फर्स्ट नंबर पर चिपका सकते हैं। तो जी हाँ गिरजा जी, आप चिपका सकते हैं। और भी कैसे अगर आपको फर्स्ट कूपन नहीं मिला है तो गाइस मैं आपको अगली वीडियो में डेट बता दूंगा कि फर्स्ट कूपन कब छपा था, जिस डेट को आप जान करके आप अपने पेपर में पता कर सकते हैं वो पेपर जिस दिन छपा था वहाँ से उस कूपन को कटिंग करके वहाँ पर चिपका सकते हैं। और भी कैसे अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो गाइस आगामी अभी दैनिक भास्कर में कूपन छपेंगे इस तरह के, आपको बस कूपन को संभाल करके रखना है और वैसे आप किसी भी कूपन को कहीं भी चिपका सकते हैं, बस बेसरते वो स्टैंडर्ड कूपन ही हो। जैसे 1 से 17 कूपन है तो गाइस 1 से 17 कूपन भी चिपका सकते हैं, और गाइस 4 मास्टर कूपन को सिर्फ मास्टर कूपन ही में चिपकाना है। तो यानी गाइस आपका जो प्रश्न का सवाल था, आपको सवाल था कि सर मैं एक नंबर मेरे पास नहीं है, तो जी गाइस मेरे पास एक नंबर नहीं है मतलब मेरे पास 6 नंबर है, तो गाइस यहाँ पे 6 नंबर चिपका सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइस कूपन ओरिजिनल मान्य रहेगा, कूपन का फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा, और कूपन आपको इसी तरह के कूपन चिपकाने हैं जो कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो जी का चलिए एक आगे अगला बहुत ही गाइज बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है गाइज, जिन्होंने पूछा है ढोलपुर बॉयज चैनल गाइज, देख सकते हैं इन्होंने अपना सवाल पूछा है क्या हम पुराने फॉर्मेट में लॉकडाउन से पहले वाले में न्यू कूपन चिपका सकते हैं, क्या प्लीज़ आंसर मी फास्ट। तो गाइज इन्होंने पूछा है कि इनके पास कूपन फॉर्मेट है जीतो किस करो का पुराना वाला और ये चाह रहे हैं कि जो नया कूपन फॉर्मेट आ रहा है उसे चिपकाना, तो जी गाइज आप ये नहीं कर सकते गाइज। दैनिक भास्कर इसीलिए नया कूपन फॉर्मेट लेके आया है और गाइज न्यू कुछ कूपन्स के पब्लिकेशन चल रही है, छपाई चल रही है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है गाइज, आपको कूपन फॉर्मेट को संभाल करके रखनी है और जो कूपन छपे जा रहे हैं आपको, जो कि कूपन मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी दिखाया इस तरह के कूपन्स, आपको उसको कटिंग करके अच्छे से रखना है और जैसे ही डेट आएगा तो गाइज आपको उसमें बस चिपकाना है। गाइज मैं चिपकाने का वीडियो अच्छे से बना दूंगा, तो डोंट बी वरी गाइज कि आपको कहाँ पे कौन सा कूपन चाहिए, मैं आपको आपके आगामी वीडियो में बनाऊंगा, जिसके लिए गाइज आपको बस हमारे चैनल पे बने रहना। पूछा गया है दिनेश कुमार जी की तरफ से, इन्होंने पूछा है भर के देना कहाँ है, कैसे भरना है। ये दिनेश कुमार जी ने पूछा है कि भर के देना कहाँ है, यानी जमा कहाँ करना है। तो जी गाइस जैसे कि बात करें जमा करने की अभी डेट नहीं आई है, जैसे भी कोई अपडेट आती है तो गाइस आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएगी, उसके लिए आपको बस हमारे चैनल से बने रहना है। और गाइस क्या भरना है आपने ये पूछा, तो गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है 17 कूपन, आपको जिस तरह से 17 स्टैंडर्ड कूपन यहाँ पर चिपकाने होंगे और 4 मास्टर कूपन चिपकाना होगा, और फिर यहाँ पर आपका नाम, पता, क्षेत्र, मोबाइल नंबर, शहर, आधार नंबर और राज्य भर के, सो कटिंग करके आपको बस दिए गए जगह पे जमा करना होगा।
तो जी हाँ दिनेश जी ने जैसा कि आपने गाइस पूछा था कि भरना कैसे है गाइस, मैं ऑलरेडी बता दिया। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जी गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया जो कि स्काई राइडर ने जी ने पूछा है कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में भी ये चालू है स्कीम है या नहीं। तो गाइस चलिए मैं एक बार गाइस आपको बता देता हूँ कि किस किस स्टेट के लिए ये आया है, अभी आप किस किस स्टेट में कि ये खेल सकते हैं। गाइस यहाँ पे ऑलरेडी पेपर में गाइस दिया हुआ है दैनिक भास्कर में, आप पढ़ पा रहे, ये योजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में लागू होगी। तो जी गाइस जैसे कि आपने अभी पूछा था कि सर मुझे बताइए, आपने गाइस मध्य प्रदेश पूछा था, तो जी हाँ गाइस मध्य प्रदेश में भी चल रहा है गाइस स्कीम दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का, आप भी जी गाइस खेल सकते जीत सकते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न इन्हीं के द्वारा पूछा गया, उन्होंने पूछा है कि इनके शिवपुरी मध्य प्रदेश में जमा होगा क्या। जी हाँ गैस जमा बिल्कुल होगा गैस, वक्त होने पर जमा होगा। पहले तो गैस आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिए, अच्छे से सारे कूपन चिपका लीजिए, गैस जैसे भी डेट आता है आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, बस हमारे चैनल से बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए। जी गैस देख सकते हो गैस अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विजय कुमार जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है कूपन कैसे मिला। तो जी गैस जैसे कि इनको मैं बता दूँ, अगर कूपन आपको दैनिक भास्कर में ऑलरेडी छपते हैं, अगर गैस आपको कूपन अभी भी नहीं मिला है तो गैस मैं आपके लिए अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा, वीकली अपडेट दूंगा कितनी कौन सा कूपन छपा है, कूपन फॉर्मेट कब चुका है, उसका सारा डिटेल बताऊंगा। तो भाई उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बस बने रहिएगा। अभी गाइस किन्हीं का अगर डाउट इस वीडियो में क्लियर नहीं हो पा रहा है और भी किन्हीं को कोई भी और डाउट हो तो गाइस हमारे इस वीडियो कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, हम उस वीडियो जल्दी बनाएंगे। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आपके सारे सवालों का जवाब दें तो जी गाइस आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा गाइस, मैं एक दिन लाइव जरूर ही आऊंगा। जी हां गाइस जैसे अगला प्रश्न देख रहे पूछा गया है गाइस, ये जमा कहां पे करवाना होगा, विकास जी ने पूछा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा। तो जी गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमा गाइस कहाँ कराना होगा, तो गाइस ये जमा होगा गाइस आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, जिसकी गाइस डेट आपके पेपर में छपेगी, नहीं तो गाइस मैं आपके चैनल पे वीडियो बना दूंगा गाइस, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको जिससे पता चल जाएगा कि आपको इसका कूपन फॉर्मेट कहाँ जमा करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा। तो गाइस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा, रजिस्ट्रेशन भी उसी वक्त होगा जब गाइस आप इसको जमा करने जाइएगा। और ठीक है वैसा कोई अगर आगामी ऐसा का अपडेट आता है तो गाइस हमारे चैनल आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसके लिए क्या करना होगा आपको हमारे चैनल से बने रहना होगा। गया है प्रश्न ताफी कोको इंटरटेनमेंट की तरफ से पूछा गया, जिन्होंने पूछा है कि सर ये न्यूज़पेपर आगरा में तो आता ही नहीं है, फिर हम कैसे पार्टिसिपेट करें, प्लीज़ हेल्प मी। तो जी गाइस जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाइस पेपर सच में आगरा में नहीं आता है, और गाइस ये जो भी योजना लागू हुआ ये आगरा के लिए नहीं है, तो गाइस आप पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते। जैसा जो कि अपडेट गाइस आता है आगे अंकों में तो गाइस मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो जी गाइस आज के Q&A सीरीज में इतना ही गाइस, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, क्योंकि गाइस इसका आप देख पा रहे वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, वीडियो का लेंदी हो जाएगा तो आपको वीडियो देखना पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए गाइस चलिए मिलते हैं अपने Q&A के नेक्स्ट सीरीज में। कोई तो गाइस आपको बताइएगा मुझे कैसे सुनने का आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी गाइस कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जो आपको अगले वीडियो में जल्द ही दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।